भी किया था, उन्हें फिर अपनी तरफ से वास्तव में उन्हें कृपा की है ये हमारी जनता के ऊपर। हनुमान जी के साथ साथ उनका सहयोग है पूरा हमारे प्रशासन का, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे राम ने भी डबल डोज ले लिया है वैक्सीन का। अब यहाँ जो है धनरुआ धाम में जो मेला लगता था, मेला नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ जो है दर्शनार्थियों को, भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं और प्रशासन के आधार से, क्योंकि मेला अभी धार्मिक कार्य बंद किए गए हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी कृपा ऐसी, ये डॉक्टर हनुमान जी हैं, इसलिए डॉक्टर हनुमान जी के हिसाब से और भोला मंगल के हिसाब से यहाँ दर्शनार्थियों दर्शन जरूर कराए जाएंगे। साथ साथ में कहावत है, कहते जी वहाँ चालिए यहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचे हर मिलें एक पंथ दो काज। यहाँ गोरस भी बेचेंगे और भगवान ही मिलेंगे, दो कार्य बन जाएंगे। तो यहाँ वास्तव में दो कार्य बन रहे हैं, दर्शन ही हनुमान दुआई मिल रही है और दवाई मिल रही है। तो भक्तों से हमारा विशेष रूप से ये आग्रह है, अनुरोध है, संघ आकर दर्शन तो कर ही रहे, करेंगे ही, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे राम ने भी डबल डोज ले लिया है वैक्सीन का और इससे बहुत बड़ा लाभ है। तो ये वास्तव में ही प्रशासन हमारा जो आपके हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम साहब बड़े परिश्रम से ये वैक्सीन वहाँ से पीएम साहब के यहाँ से लेके आए हैं और प्रदेश के लिए विशेष रूप से। तो वास्तव में ही ये वैक्सीन जो है, ये टीका लगाया जा रहा है, कराया जा रहा है, आपके हित में कराया जा रहा है और दोनों काम में हो, दर्शन भी हो। ठीक है, हमारे यहाँ से लोग रोकते तो है नहीं, हनुमान जी के दर्शन एक सेकंड में करते हैं, निकलते जाते हैं, और हनुमान जी हमारे कृपा कर ही रहे हैं सब तरह से। या हनुमान जी डॉक्टर तो हैं ही, तो वैसे वास्तव में ही यहाँ कोरोना का भय तो है नहीं, फिर भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है और मास्क लगाने का बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण फैल रहा है तो इससे प्रदूषण दूर रहता है, तो मास्क लगाना भी ज़रूरी है और वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है और दर्शन करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं जनता जनार्दन से और दूर दूर के लोगों से विशेष रूप से अनुरोध करते हैं, अधिक संख्या आकर के, तीन नाके बनाए गए हैं, तीन नाकों पर व्यवस्था है और जगह जगह व्यवस्था है। हमारे यहाँ सभी पुरुष प्रशासन की तरफ से भी, हमारे जिलाधीश महोदय की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है, डॉक्टरों की व्यवस्था है सब जगह। 8 दिन से बराबर कैंप लगा हुआ है यहाँ, और आपके हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, उन्हें आग्रह भी किया था, उन्हें फिर अपनी तरफ से वास्तव में उन्हें कृपा की है ये हमारी जनता के ऊपर। हनुमान जी के साथ साथ उनका सहयोग है पूरा हमारे प्रशासन का, कि ये भी काम होना बहुत ज़रूरी है। तो धनरुआ के हनुमान जी को समझते ही हैं कि डॉक्टर हनुमान जी हैं, आद्वैत हनुमान जी देवताओं को दर्शन करने आते हैं, और दर्शन करने देवता आते हैं तो वास्तव में ही धनरुआ आता है, वो धनरुआ आता है वो धन हो जाता है, कि ऐसा भी रोग हो या तो टन हो जाता है। तो इसलिए मतलब दर्शन करने का ही फल लें और दवा का ही फल लें। और यहाँ की भगवती का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है, ये दर्द रघु हनुमान जी हैं, तो दामन दया दामन दान अगुआ मन आओ दान ले ले जाओ। तो यहाँ वास्तव में ही जो है तुत्त दान माता